देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं आगे अपना वही टॉपिक। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बॉडी की दो पार्टों के बारे में बता दिया था, किस तरीके से आप बॉडी बॉडी के अंदर आइटम इन्फॉर्मेशन और ग्रैंड टोटल करेंगे। आज आता है सब टोटल, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बनाना सिखाया था कि ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोनों चीज़ें, जैसे आपके यहाँ पर क्वांटिटी और आइटम नेम, क्वांटिटी यूनिट अमाउंट और प्राइस। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप बॉडी बनाने जाते हैं तो उसके अंदर आपके 6 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर जो आपके पहले 2 पार्ट होते हैं उसके अंदर आपकी आइटम इन्फॉर्मेशन आती है और दूसरे पार्ट में आपका ग्रैंड टोटल आता है। अगर आप कहें तो मैं इसका आपको एक प्रीव्यू निकाल के दिखाता हूँ, आप लोग को फिर समझ में आएगा इसका एक्चुअल में बेनिफिट क्या है। मैंने इसको ओल्ड प्लस पी करा एंड ओके। तो आप देखेंगे जो हमारे पास नया बिल बना था उसके अंदर देखिए हमारे पास आइटम का नेम आ रहा है और हमारी क्वान्टिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और हमने भी ग्रैंड टोटल लाए। अब बात आती है अगर मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ तो सब टोटल कितना था, उसमें से लेस कितना हुआ है और रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, तो किसका पार्ट आता है, वो आता है सब टोटल। किसका आता है दीपक? सब टोटल। तो एडवांस के अंदर आएंगे, वही उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और बॉडी बजाना। देखो जिसके नीचे अंडर लाइन होती है, जैसे इसके नीचे अंडर लाइन है, एच के नीचे अंडर लाइन है, प्रीव्यू के नीचे वी के, तो मैं ओल्ड के साथ अगर बी दबाऊंगा ना तो आपका बॉडी पार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ लाइन करना होगा? देखो नहीं, आपको क्लिक नहीं करना, बस यहाँ जाइए और ओल्ड के साथ बी दबा दीजिए तो आपका बॉडी ही ओपन होगा। ये खुला होना चाहिए, ठीक है, हो गया। अब मुझे बॉडी के सेकंड पार्टों पर जाना है, किस तरीके से हम आगे यूज़ करें। अब आता है सब टोटल, ठीक है। अगर उसने डिस्काउंट दिया या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन दी तो किस तरीके से उसको फिलअप करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमें कोई डिस्काउंट दे या हम किसी को डिस्काउंट दे तो पहले टोटल फिर माइनस एंड देन फिर आए तो हम सब टोटल। तो मैं यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट करूँगा, पहले कंडेंस को ओपन करूँगा, ठीक है, और यहीं से कंडेंस को ऑफ भी करूँ, बट ऑफ करने से पहले मैं इसको बाद में ऑफ करूँ। अब यहाँ सब टोटल आ गया तो मुझे क्या चाहिए, बीच में स्पेस। अगर मैं यहाँ से ओल्ड प्लस एफ फोर से मैंने कहा कि मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए? क्वांटिटी। तो मैंने इस पर क्लिक किया कि बिल के नीचे सबसे नीचे क्वांटिटी आ जाती है, यहाँ पर देखो मिलेगा टोटल बिल क्वांटिटी सब टोटल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, आ गया। एक इसके अंदर होता है बिल्ड होता है और एक होता है दूसरा होता है, देखिए मैं इसको ओल्ड प्लस एफ फोर करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो होता है क्वांटिटी सब टोटल, ठीक है। एक बिल और दोनों एक ही बात है, आप ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्कैप करो, स्कैप, स्कैप। अब एक ही दिख रहा है आपको, उसका मतलब आपने सेव नहीं करा, दोबारा करो। सेव कर दिया करना तभी सेव होगा, ठीक है, आ गई। और मैंने यही कंडेंस को ऑफ कर दिया, देखो ऑन किया तो यही, तो मैंने ऑफ भी कर दिया। अब मैं इसको अगर सेव करूँगा तो आप प्रीव्यू देखिए ध्यान से, ठीक है, तो सेव कर दो। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्वांटिटी का बॉक्स आ गया, क्या आ गया? क्वांटिटी आ गई, आ गई। लेकिन अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो, अगर आप बिल निकाल के देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको प्रीव्यू कर देता हूँ मैं आपके लिए, ऑल पी करूँगा, सेल इनवॉइस के अंदर आऊँगा और यहाँ से ले लूँगा A5 एंड इसको फिर भी देखिए जो बिल की क्वांटिटी होगी वो एक्चुअल में आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये क्वांटिटी यहाँ पर ना आके यहाँ पर आए, कहाँ पर आए? यहाँ पर ना आके यहाँ पर आए। तो मैंने क्या करा, मैं स्कैप करके बाहर आया, ठीक है, यहाँ पर आया, एडवांस के अंदर आया और मैं इसी के अंदर गया। अब वो क्वांटिटी को वहाँ कैसे ला सकता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा मैं सोचना है कि उस क्वांटिटी को कैसे लाना है। तो इसके बीच में मैं क्या दे दूँगा, स्पेस दे दूँगा, क्या दे दूँगा? ओल्ड F4 करूँगा, क्या ले लूँगा? ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में बोल दूँगा 38 या 50, जितना भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आप ओल्ड V करके प्रीव्यू देख लीजिए कहाँ तक ये बात पहुँची है इसके अंदर, तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं अभी क्वांटिटी आपकी यहाँ है, तो इसका मतलब हमें और स्पेस अभी चाहिए, तो मैं यहाँ पर और स्पेस ले लूँगा। तो बॉडी पे गया, बॉडी पे हम जैसे ही जाएंगे तो इसके बाद अब हमें ना एक लाइन चाहिए। अभी आपने नोटिस करा होगा कि जो हमारी लाइन आ रही थी ना, इसमें ये बिल से ऊपर आ रही है, तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक लाइन ना उसके नीचे ही आ रही है। तो उसके लिए हम एक कोड डालते हैं, शायद आप लोगों को पता हो उस कोड क्या नाम है, क्या कोड है आप लोग कोई बताएंगे? BLH F4H होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है, अलाइनमेंट, और एक होता है वर्टिकल, ओरिजेंटल और वर्टिकल।
एच का मतलब क्या होता है आपका, और वी ए का मतलब क्या होता है, वी का मतलब वर्टिकल। अब देखिए लाइन यहाँ आ गई, मुझे इस लाइन को यहाँ पर लाना है, तो अभी कितना स्पेस चाहिए होगा हमें, कोई बताएगा कितना स्पेस चाहिए? यहाँ पर 10 बढ़ा एंड देन इसको ओल्ड वी करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ भी आ गया, ओल चाहिए। यहाँ पर बॉडी के अंदर आएंगे, कितना स्पेस चाहिए इसके बाद, 10 बढ़ा, ठीक है। अब देखिए 16 को 16 डिजिट ले रहा है, तो उसको 10 कर दो, 16 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप इसको 10 कीजिए एंड देन ओल्ड वी करके प्रीव्यू देखिए, तो आप इसको देख सकते हैं लाइन यहाँ आ गई। अब कितना बढ़ा दें कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, तो हम यहाँ क्या आएंगे हैं, तो कितना 20 नहीं, इसको हम कर देते 5 और बढ़ा देते हैं 7 बढ़ा दिया एंड देन सेव कर दिया, सेव हो गया, देन ओल्ड वी करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल लाइन एक्यूरेट आगे दीपक, कोई दिक्कत। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वांटिटी, इस लाइन की क्वांटिटी आप चाहते हो उसके आगे एक वर्ड भी लिख के क्वांटिटी दिस, तब वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं होती इसकी हम लोगों को लिखने की, फिर भी आपको अगर ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ओल्ड प्लस F4 में जाना है, सिंटैक्स लेके बस यहाँ पर इंटर क्या कर दो, क्वांटिटी, ठीक है, और इसको ले लो 5 कैरेक्टर, ठीक है। आप इसका ओल्ड भी करके यहीं से प्रीव्यू देख लो, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी आ गई, लेकिन थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो इसको क्या करो यहाँ पर स्पेस थोड़ा 60 कर दो, हो जाएगा। आप ओल्ड भी करके देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो आप इसको बोल्ट में कन्वर्ट कर दो, यहाँ से बोल्ट को ऑन कीजिए और एंड में जाके बोल्ट को क्या कर दो आप दीपक, ऑफ, एंड हो गया। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एंड में मुझे मेरा सब टोटल भी दिखे, तो यहाँ पर हमें ओल्ड प्लस F4 करेंगे और क्या ले लेंगे हम यहाँ पर सब टोटल, लेकिन हम यहाँ ना लेके हम कहाँ लेंगे, हम लेंगे बोल्ड से पहले, तो हम यहाँ आएंगे और बोल्ड से पहले डाल देंगे F4, हमने F4 करा ओल्ड प्लस F4 अमाउंट आए। अब क्या हो गया आपको, हाँ क्यों नहीं, डेमो कंपनी बना लो बेटा, क्विट करो इसको, इसको क्विट करो, पहले कंपनी बना लो उसके बाद इसमें। अब यहाँ आता है अमाउंट सब टोटल, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा अमाउंट आ गया, लेकिन अगर मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा तो ध्यान से देखिए, जो इसका प्रीव्यू आ रहा है वो बिल्कुल इस अमाउंट के साथ आ रहा है। अब दीपक, अब मुझे इनके और इसके बीच में डिफरेंस करना है, तो कैसे आएगा वो, ब्लैंक स्पेस आ गया, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, इनके बीच में ब्लैंक स्पेस, ओल्ड F4 करेंगे, ठीक है, और ब्लैंक स्पेस पे जाएंगे, कितने की ब्लैंक स्पेस, तो मैंने बोला 30 का, 30 आ गया। अब इसका प्रीव्यू करके आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि बिल्कुल यहाँ आ गया, कितना चाहिए हमें, इसमें हम 30 जगह 40 कर देते हैं, और जो इसके डिजिट है ना 16 है, तो इसको आप 13 कर दीजिए, ज़्यादा सही है। अब आप प्रीव्यू देखिए ध्यान से, बिल्कुल आ गया, आ गया। अब सर इस वाले टोटल में और इस वाले टोटल में क्या डिफरेंस, दिखाता हूँ ये बिल आपको सेव करके दिखाता हूँ, फिर आता है। आप सोचोगे सर दोनों चीज़ों सेम है, दोनों ही सब टोटल के काम आते हैं, लेकिन नहीं, एक सब टोटल होता है, एक होता है आपका नेट अमाउंट। देखिए मैं इस बिल के नीचे 10,000 का बिल है और मैं डिस्काउंट दे देता हूँ 5%, कितना देता हूँ डिस्काउंट 5%, कितना माइनस हो गया इसमें से 500 रुपीज़। अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तो आप लोग समझ में आएगा, इस बिल का टोटल कितना था, माइनस कितना हो गया 500 बैलेंस बता के, तो जो नेट बैलेंस है ये आपका होता है वो नेट बैलेंस, और जो सब टोटल होता है जो इनका सब टोटल आता है, उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया कुछ भी एनीथिंग दिया, वो सारा किसके जाता है नेट अमाउंट के अंदर। क्लियर है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। बन गया ये आपका बेसिकली क्या पार्ट था, ये आपका सब टोटल का पार्ट था, किसका पार्ट था आपका बॉडी का सब टोटल का पार्ट, ठीक है। सब टोटल में किसी को दिक्कत है, अब आता है टोटल कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन। अगर आपका एक बिल से दूसरे बिल में जाता है फिर क्या करेंगे, अगर इसी बिल को आप लोगों को दिखाऊं मैं इतना बड़ा कर दूं कि ये नेक्स्ट पेपर पे जाएगा, तो देखिए नेक्स्ट पेपर मेरा कुछ काम का नहीं आएगा, उस पर सब टोटल नहीं आएगा, दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो मैं यहाँ F4 करता हूँ और एक बार में जितनी आइटम है सारी आइटम यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। आ गई,
उसके बाद मैं नीचे गया और मैं नीचे जाके भी F4 करके उस आइटम को पिक करा, F4 करा, ऑल आइटम करा और यहाँ से भी उसको दोबारा पिक कर दिया। ठीक है, इसको सेव करा और मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए, उसी बिल को दोबारा निकाला। अगर ये बिल दूसरे पेपर पे जा रहा तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है पेपर दूसरे पेज पे गया। अब तो दूसरे पेज पे गया तो उसने मुझे बताया नहीं दूसरे पेपर पे जाते ही कि मुझे बताता कि इतनी क्वान्टिटी उस बिल के अंदर थी, उसके बाद जो क्वान्टिटी हुआ वो यहाँ पर टोटल क्वान्टिटी दिखा देगा, टोटल अमाउंट। मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट पेपर पे है जो लास्ट प्रिंट आउट उसके ऊपर यहाँ पर क्वांटिटी बताई कितनी है और यहाँ टोटल बताए, उसके बाद में सभी टोटलों का क्या करें, ये सम करें। नहीं तो आप देख सकते हो मेरे पास और भी इनवॉइस के फॉर्मेट है, उसके अंदर का आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, ये देखिए इसमें दिखा रहा है 212, इसको नेक्स्ट पेपर पे ले जाऊंगा तो 212 के आगे दिखा रहा है, इसको ले गया तो उसने उसका सम करा, उसके बाद जितना मतलब एक पेपर पे आ रहा है एक्चुअल में वही आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ आएंगे और इसको फिर दोबारा से ओल्ड बी करेंगे, बी करेंगे तो आपका डायरेक्ट बॉडी पे ही पहुँच जाएगा। शॉर्टकट है ये, जैसे प्रीव्यू निकालने का ओल्ड बी है तो इसका बॉडी का ओल्ड बी, हेडर का ओल्ड एच है। ठीक है, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है सेकंड बिल पे अगर जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से उसको आगे जाना चाहिए, तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ फॉलो करना है। F4 से कंटेंट्स को ओपन करो, कंटेंट्स आपका ओपन हो जाए, इस पे ये कॉपी लेवल लिखा हुआ है लेकिन इसमें ऑलरेडी कॉपी लेवल, तो उसी में डाल दो, उसी में डाल दो, एस्केप करो, एस्केप करो, एस्केप करो, अब यहाँ डाल दो कॉपी 11 दबा दो, खाली कॉपी अपने आप आ जाएगा, जो एक बार बन जाता है उसको बारह बनाने की जरूरत। ठीक है, अब यहाँ कंडेंस ऑफ हुआ है तो उसका एक बार विजन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, अब कंडेंस आ गया। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर F4 करा और मैंने बोला जो मेरे पास बोल्ट में भी है। ठीक है, मेरे पास बोल्ट में आ गया। उसके बाद आपने एक नोटिस करा कि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे दीपक, ओल्ड प्लस F4 और क्या ले लेंगे, ब्लैंक स्पेस, कितना मैंने 40 कैरेक्टर ले लिया। उसके बाद मैं क्या जाता हूँ, क्या है क्वांटिटी का सब टोटल, तो F4 करा, मैंने क्या बोला कोई नहीं हुआ ऑफर, इसको टोटल क्वांटिटी, इस पर क्लिक करा और अभी इसने बोला एक लड़की ने कि सर आपका ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका क्या है ऑफ है। अब ना उस PC को चला लो, उस पर ना अपने डाउनलोड कर लो अपनी मेल आई डी से वो। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर 16 है तो इसको आप 13 कीजिए और आप इसको डायरेक्ट यहीं ओल्ड प्लस F4 से सेव कर दीजिए। कंडेंस ऑन करा था तो यहाँ पर ऑफ नहीं, पहले क्या होगा आपका बोल्ट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा आपका कंडेंस होगा। हो गया, अब इसका आप प्रीव्यू देखिए, तो देखिए आपका वो जो सेकंड पेपर पर जाएगा ना फिर आपको दिखाएगा क्वांटिटी का कहाँ है। अभी आप लोगों को शायद यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि वो सेकंड इनवॉइस की बात है, तो आप लोग दोबारा से उस प्रिंट आउट को निकालिए जो हमने अभी दिखाया था आपको, एंड देन यहाँ पर दोबारा ओल्ड प्लस री गई है, प्रिंट सेल इनवॉइस एंड देन इस फॉर्मेट का था एंड देन ओके। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, नीचे एग्जाम 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 ई एक्स दबाओ
आ गया। अब इसको दीपक कहाँ लाना है? बिल्कुल यहाँ लाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या लेंगे? हाँ वो भी लेंगे, बीडी सीडी भी लेंगे। अब इसने लड़के ने बोला कि आगे सर जाना चाहिए टोटल सीडी, आगे टोटल सीडी लिख के जाना चाहिए। तो बस सिंपल एसी के आगे क्या कर दो, एंड देन क्या लिख दो, टोटल सीडी बस। और कितने कैरेक्टर यहाँ ले लो आप 10। अगर यहाँ 10 ले रहे हो तो इसमें से आप कितना यहाँ 40 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेव कर दो। लेकिन हमें इसके बाद हमें क्या चाहिए दीपक? सब टोटल भी चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, क्या करेंगे हम ओल्ड प्लस F4 और क्या ले लेंगे ब्लैंक स्पेस कितना 20। और उसके बाद हमें क्या चाहिए सब टोटल, तो ओल्ड प्लस F4 करा और अमाउंट के अंदर हमने क्या ले लिया अमाउंट टोटल। क्लियर। अब इसको सेव करिए। सेव हो गया। दोबारा से इनवॉइस को निकालिए यहाँ से, ओल्ड वी कीजिए, उस फॉर्मेट को निकालिए और ध्यान से देखिए सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ आइए, ठीक है टोटल सीडी इतना। लेकिन अभी स्पेस में दीपक थोड़ी सी कमी है, तो उसको क्या करना है, बस स्पेस को ध्यान रख के चलना है। सर ये चीज़ तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गई, ये इस बिल पे जाएगी, नेक्स्ट बिल के लिए वो होता है ना, नेक्स्ट के लिए जो आपका होता है वो ये वाला होता है, ये वाला होता है, ठीक है। हमें कोई और ठीक है। अब इसको 40 का कितना करो, 50 करो या 55 करूँ? अगर ये दीपक 60 था तो यहाँ भी हमारा 60 होना चाहिए, लेकिन ये 5 ज़्यादा है तो इसको 60 कर दो। पता कैलकुलेशन मैंने क्यों करी? मैंने कहा कि अगर क्वांटिटी का टोटल उसके नीचे ही चाहिए तो इसको इसको जोड़ने में कितना आया था 65, तो इन दोनों का भी कितना होना चाहिए, इसका 60 और 10 17 हो गया, ज़्यादा हो जाएगा 75। अब भी ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा 55, ठीक है। अब क्वांटिटी के बाद इसका कितना टोटल था 40 और 30, तो कितना हो गया आपका 53। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, तो यहाँ पर हम 40 कर देंगे, तो यहाँ पर हमने 40 और इसको हमने सेव करा। तो आप यहाँ पर जाके देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑल प्लस बी पी कीजिए एंड सेल इनवॉइस और यहाँ से सेल का ये वाला इनवॉइस निकालिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आ गया हमारा, यहाँ टोटल का सब क्वांटिटी भी आ गई और हमारी ये अमाउंट, ठीक है। यही आपका आगे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा लास्ट पेपर पे या जो मतलब सेकंड पेपर निकले उसके ऊपर चाहिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को पूरा उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, बिल्कुल सेम ड्रॉप डाउन, ठीक है। बस वो कर दीजिए ऑल्ट वी और जहाँ आपका सी डी है उसके लिए क्या कर दो आप बी डी, और इसको सेव कर दो। देखिए अब जो नेक्स्ट पेपर पे जाएगा ऑल्ट पी एंटर, अब देखिए वही कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट पेपर पे फॉलो होगा, ठीक है बिल्कुल सेम। अब आप कह सकते हो कि सर ये बिल्कुल यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, इसको तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो क्यों हो रहा है आप लोगों में से कोई शायद बता सकता है, रोहित या दीपक? अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आपको हेडर को काउंट करना है। क्या करना है? हेडर को काउंट करना है कि हेडर अभी एक्चुअल में कितना, ये आपका 9 है और हमने पेज सेटिंग में हेडर कितना ले रखा है 23, तो कितना हो गया 9, कितना 9 मतलब कितना उसमें बच गया 13 बच गया ना, तो 42 इसको कर दो, चलो 42 लिया कोई नहीं। अब शायद देखिए एक पेपर पे ना आ पाए, दो पेपर पे ना आ पाए,
आप ओल्ड भी कीजिए एंड देन प्रीव्यू निकालिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक पेपर पे आ जाएगा, दो पेपर पे गया, ठीक है, ये बिल की क्वांटिटी और टोटल आ गया। देन जैसे ही नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड हुआ तो यहाँ टोटल आ गया एंड देन उसके बाद आ गया, ठीक है। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी हैं, सब टोटल, ठीक है, दूसरा क्या था, कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन, दूसरा था ब्रॉड डाउन इन्फॉर्मेशन। बाकी हमारा एक नया टॉप उसके अंदर रह गया है, वो हो गया बिल्स एंट्री का, उसको हम कल कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।